तो हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विदेश पांडे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं वहां के बाहर से मौजूद हैं, और जया हमारी सहयोगी घाट से मौजूद है। पहले विदेश आप ही के पास चलते हैं, क्या तस्वीर अभी आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को पहुंचे आधे घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, वहां पर एक बड़ी बैठक भी चल रही है, क्या जानकारी वहां से अभी? देखिए, जानकारी तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की गुप्त बैठक चल रही है, उसकी जानकारी अभी सोर्सेस से तो नहीं आई है, न वो प्रधानमंत्री जी ने बताया, न हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बताया, न प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया, क्योंकि ये सारे प्रशासनिक अधिकारी अभी अंदर ही हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा की गाड़ी खड़ी है, कमिश्नर दीपक अग्रवाल की गाड़ी आप देख सकती हैं, पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश की गाड़ी देख सकती हैं, और साथ ही साथ यहाँ एडिशनल जो सीपी हैं उनकी भी गाड़ी अंदर है, बाहर है, और वो अंदर हैं। तो अभी बैठक चल रही है काशी की योजनाओं और विकास को लेकर, और ये बड़ी बैठक और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम केवल और केवल देखिए सुनील भाई ओझा को देख सकते हैं, अत्यंत विश्वस्त सहयोगी प्रधानमंत्री इन्हीं की नजर से देखते हैं काशी को, सुनील भाई ओझा को देखिए। सुनील भाई ओझा, हम चाहते हैं कि आप कुछ बात करें और काशी के विकास की योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है जो साकार वो कर रहे हैं। सुनील ओझा एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, और महेश श्रीवास्तव हैं, सुनील भाई ओझा अभी अंदर हैं और हमारे साथ महेश श्रीवास्तव, आप बताइए क्या विकास योजनाएं हैं? ये क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं काशी क्षेत्र के। प्रधानमंत्री जी ने आज जो अलौकिक अद्भुत कार्य बाबा की कृपा से किया, जो बनारस के ही नहीं पूरे देश के इतिहास में अविस्मरणीय है, और बाबा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वाराणसी में क्या पूरे भारत में बाबा की सरकार चलती है, और बाबा ही देवाधिपति देव बाबा हैं। महेश चंद श्रीवास्तव जी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक बड़ा बयान आया है अखिलेश यादव जी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी एक महीने दो महीने तीन महीने रहे, अंत समय में काशी ही प्रवास अच्छा होता है। अखिलेश जी की मानसिक स्थिति पर कुछ भी बोलना, कुछ उनके वो इस समय बौखलाहट में है, और कुछ उनके वक्तव्य पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बाबा के बारे में और बाबा से संबंधित कोई दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे तो अच्छी बात नहीं। लेकिन जो बैठक अंदर चल रही है काशी के विकास योजनाओं को लेकर, प्रधानमंत्री अंदर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, आखिर काशी विश्वनाथ धाम का काम तो हो गया, अब और कौन सी योजनाएं हैं जिस पर काम? आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम काशी विश्वनाथ धाम बना रहे हैं, तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, हम संपूर्ण सर्वांगीण विकास का काम कर रहे हैं, और 125 करोड़ जनता के लिए विकास का काम कर रहे हैं। सुनील भाई ओझा हमारे साथ हैं, सुनील भाई ओझा को सुनील कोशिश करूंगा, सुनील भाई क्या कहेंगे, किस तरह की आप ही की नजर आज आज बम बम खुश तो बहुत हो गया, साहब का प्रवचन बहुत खुश है, मगर कोश का मतलब काशी में बम बम होता है, बम बम आज प्रधानमंत्री यहाँ के विकास को देख के बम बम। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसके टुकड़ा करके करो आप, बहुत बढ़िया है आज जो बोले हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। अच्छा ये बताइए अखिलेश जी कह रहे हैं कि काशी प्रवास का भाई अच्छा होता है, अंतिम में रहना चाहिए, मुझे पता नहीं ये का बयान कैसा है? आज बम बम कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, सर, अंदर, अंदर, कोई विवाद ना चाहिए, विकास की योजनाएं हो रही है, बात हो रही है, सब विकास वाले लोगों को पूछो, मुख्यमंत्री अंदर है, ये आज बम बम कहा ना यार, बम बम। सुनील भाई ओझा कह रहे हैं कि बम बम है। महेश श्रीवास्तव, सुनील भाई ओझा एक्सक्लूसिव सह प्रभारी हैं, सुनील भाई ओझा इस बैठक में मौजूद थे, ये केवल और हमारे पास है, एबीपी गंगा के पास है ये एक्सक्लूसिव बातचीत। महेश श्रीवास्तव काशी क्षेत्र के अध्यक्ष और सुनील भाई ओझा दोनों लोग बाहर निकले और दोनों लोगों से हमने बात की, सुनील भाई ओझा ने कहा कि बम बम इस शहर में इस समय केवल बम बम, अखिलेश यादव पर सवाल पर भी बम बम, हर तरफ बम बम, यानी भोले की नगरी में काशी की नगरी में बम बम ही बम बम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुनील भाई ओझा यानी प्रधानमंत्री के सबसे खास व्यक्ति, सबसे खास विश्वास पात्र, और इसीलिए काशी में वो कैंप करते हैं। आप चाहे कोरोना के समय देखिए तब भी सुनील भाई ओझा ने कैंप किया, और लंबे समय से काशी में ही कैंप कर रहे हैं। ये सारा जो विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का काम हुआ है इनकी निगरानी में हुआ है, इनकी देखरेख हुआ, हर एक रिपोर्ट अगर कोई देता है प्रधानमंत्री को काशी से जुड़ी हुई
पश्चिम पूर्वांचल से जुड़ी हुई, तो वो देते हैं सुनील भाई ओझा और वो इस बैठक में थे। हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया तकरीबन डेढ़ घंटे पहले कि सुनील भाई ओझा बैठक में मौजूद हैं, उन्होंने वेलकम किया है और सिर्फ दो लोग थे। कौन दो लोग थे? जो दोनों महत्वपूर्ण हैं, पूर्वांचल यानी काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद श्रीवास्तव, 70 के आसपास सीटें हैं पूर्वांचल की, और सुनील भाई ओझा तीन दिन पहले विधानसभा के जो प्रभारी हैं उनको बुलाकर बातचीत की है, पूछा किसको लड़ा सकते हैं, कौन बेहतर होगा, सब तीन तीन नाम मांगे। एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि ये जो बैठक है वो काशी के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक, लौकिक और पार्टी के बारे में भी विचार विमर्श अंदर है, क्योंकि इस काशी क्षेत्र के महेश श्रीवास्तव अंदर सुनील भाई ओझा सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के है, यानी जो चुनाव के तमाम प्रभारी बनाए हैं सह प्रभारी बनाए गए हैं, सुनील भाई ओझा उसी में से है। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, इस काशी में लगभग 2014 से वो प्रवास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की आंख कान नाक है और महेश श्रीवास्तव भी प्रधानमंत्री के टच में रहते हैं। एक और एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे दूं, जो दर्शकों को बता दूं कि महेश श्रीवास्तव से प्रधानमंत्री महीने में दो महीने पे फोन पर बात करते हैं, काशी के बारे में जानकारी लेते हैं, मुख्यमंत्री अंदर है, प्रधानमंत्री अंदर है, प्रशासनिक अधिकारी अंदर है, कमिश्नर अंदर है, मंडलायुक्त अंदर है, डीएम अंदर है, और साथ ही साथ आप देखिए सतीश गणेश साहब हैं, पुलिस कमिश्नर जो वाराणसी के हैं, वो अभी मीटिंग में मौजूद थे। ये एक्सक्लूसिव जानकारी केवल हम लोगों के पास है कि जो बैठक चल रही है, सतीश गणेश साहब प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल थे, काशी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, काशी की व्यवस्था को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत की है। क्या बात है? देखिए सर्वप्रथम तो ये है कि आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चुनौती का दिन था। जो हमने प्लानिंग करी थी उसको ग्राउंड पे उतारने का दिन था। अब तक हम लोग उसमें सफल हुए हैं, आगे भी और चुनौतियां हैं, लगातार हम लोग अपनी रणनीति को धार दे रहे हैं, कल की प्लानिंग आज कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आज अभी तक कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ है, उसी तरीके से कल का दिन और आने वाले दिन में भी जो हमारे योजनाएँ हैं वो सही तरीके से कार्य करेंगे। सतीश जी, कानून व्यवस्था विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, और कमिश्नरेट सिस्टम जब से लागू हुआ है, कानून व्यवस्था के मद्देनजर विकास की तमाम योजनाएं परियोजनाएं यहाँ चल रही हैं, उस पर क्या विचार है? देखिए सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास और कानून व्यवस्था ये सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम एक ऐसा आदर्श वातावरण सृजित करें जिसमें विकास के कार्य अपने आप आगे बढ़ें। उस दिशा में विगत 8 महीने से काशी में कमिश्नरेट प्रणाली जो है लागू की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये उनका विजन था कि जो 4 महानगर हैं हमारे प्रदेश के, उसमें सभी जगह पे पुलिस को कुछ एक्स्ट्रा अधिकार देते हुए, मिनिस्ट्रियल पावर देते हुए, एक पब्लिक फ्रेंडली, पीपल ओरिएंटेड और ऑफिसर ओरिएंटेड पुलिसिंग जो है प्रदेश की जनता को दी जाए। उसमें 8 महीने का सफ़र अभी हम लोगों ने तय किया है, काफ़ी आधारभूत चेंजेस हम लोगों ने इसमें किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट काफ़ी हम लोगों ने किया है पुलिस विभाग की, जैसे मॉडर्न हम लोगों की कमिश्नरेट बिल्डिंग को हरी झंडी मिल गई है। तो कुल मिला के जनता को बेहतर रिस्पांस टाइम के साथ में पुलिसिंग देने का हम लोग का प्रयास है और उसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री जी संतुष्ट थे? देखिए इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है, और परीक्षार्थी से उसने परीक्षा कैसे दी है इसके बारे में पूछना थोड़ा सा मेरे ख्याल से इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। इनफैक्ट जो एग्जामिनर है वो हमें बेहतर उसका वो दे सकते हैं। एक और एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे दूं कि यूपीडा के CEO अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी अभी अभी अंदर गए हैं। ये जो गाड़ी, जब मैं सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर से बात कर रहा था तो जो गाड़ी इनोवा अंदर गई है, जो अब धीरे धीरे बाहर निकाली जा रही है, उसको मैं दिखाना चाहूंगा। अवनीश अवस्थी उस गाड़ी में सवार थे और अवनीश अवस्थी अंदर गए हैं जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री ने काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव से बात की। पल पल का अपडेट आप बता रहे हैं और जो भी वहां पर हलचल नजर आ रही है एक एक आप हमारे दर्शकों को पहुंचा रहे हैं।